नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दुल्हन की तरह सजा है आनंद नगर का राधा कृष्ण वाटिका मंदिर। यूपी के महाराजगंज जनपद के आनंद नगर कस्बे में स्थित भगवान राधा कृष्ण के मंदिर को आज जन्माष्टमी के मौके पर दुल्हन की तरह सजाया गया। संयोग कहें या प्रभु की इच्छा, इस झमाझम बारिश में भी हजारों की संख्या में लोग इस मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं। आज रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना है, लेकिन यहाँ तो भगवान के भक्त आज शाम से ही हजारों की संख्या में दर्शन के लिए आ रहे हैं। जन्माष्टमी के मौके पर आनंद नगर कस्बे में भव्य मेला भी लगता है। मेले में भीड़ को देखते हुए महाराजगंज जिला का पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। महाराजगंज जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर पड़ोसी मुल्क नेपाल के नज़दीक होने के नाते भी इस मंदिर में हजारों की संख्या में नेपाल से भी लोग दर्शन के लिए आते हैं। वैसे ये मंदिर 60 साल पुराना है और मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम 1959 से चल रहा है। क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान व जयपुरिया इंटर कॉलेज के संस्कृत विषय के प्रवक्ता मथुर रामणी शास्त्री की प्रेरणा से यहाँ मंदिर का निर्माण कराया गया, जो आज भव्य रूप ले लिया है। यहाँ पर नेपाल से लागत सिद्धार्थनाथ, कुशीनगर, गोरखपुर के अलावा अन्य क्षेत्र से भी लोग हजारों की संख्या में आते हैं, कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम देखते हैं और इसके साथ ही मेले का भी आनंद उठाते हैं। इसके साथ ही अनेक मनोहरी झांकियाँ भी लगी रहती हैं। इसके साथ ही कृष्ण जन्मोत्सव को भी शामिल होते हैं। पुनः हार्दिक नमन वंदन करता है। आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मैं राजेश जसवाल, आनंद नगर पंचायत आनंद नगर, और यहाँ पर उपस्थित बोर्ड के सभी सभासद और विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के सहयोगी बंधु, स्टार हॉस्पिटल और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तरफ से आप सभी नगरवासियों को और पूरे देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। और ये आशा विश्वास करता हूँ कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण जी ने जन्म लेकर के राक्षस रूपी कंस को मारा था, उसी प्रकार हम लोग आज किस भगवान के जन्मदिन के पावन पर्व पर, जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आज संकल्प लेवे कि ये जो गंदगी कूड़ा रूपी कंस है उसको भी हम लोग खत्म करेंगे। और आज आनंद नगर नगर पंचायत पूरी तरह से श्रद्धालुओं का खाता लग रखा है, इसके लिए नगर पंचायत आनंद नगर पूर्ण रूप से उनकी